बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इंडियाज बेस्ट डांसर 4 में जज की कुर्सी संभालती दिख रही हैं। एक्ट्रेस हाल ही में जाकिर खान के शो आपका अपना जाकिर में पहुंची थी। वहीं एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या कपूर परिवार की महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं थी। अब इस पर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। करिश्मा कपूर इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। करिश्मा ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। लंबे समय बाद एक्ट्रेस ने टीवी पर वापसी की है और डांसिंग रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 4 में बतौर जज नजर आ रही है। करिश्मा के साथ शो में गीता मां और टेरेंस लुइस भी है। शो के प्रमोशन के लिए तीनों जाकिर खान के शो आपका अपना जाकिर में शामिल हुए थे। शो पर करिश्मा कपूर से पूछा गया कि क्या कपूर परिवार की बहुओं को शादी के बाद काम छोड़ना पड़ता है। इस पर करिश्मा ने जवाब दिया कि जब मेरी मम्मी और नीतू आंटी की शादी हुई तो उनके पास चॉइस थी कि उन्हें काम करना है या फिर बच्चे संभालने हैं। वह उनकी मर्जी थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि शमी अंकल और शशि अंकल की बीवियां जो थी गीता बाली और जेनिफर आंटी ने भी शादी के बाद काम किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि कपूर परिवार में काम नहीं कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कपूर परिवार की बेटियां काम नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ नहीं था। मुझे एक्टिंग करने का पैशन था, मैंने काम किया। इसी तरह करीना और रणबीर कपूर को भी एक्टिंग का पैशन है, उन्होंने भी काम किया, लेकिन रिद्धमा को एक्टिंग पसंद नहीं थी, इसलिए वह इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उनके परिवार में कभी भी किसी को भी काम करने से नहीं रोका गया। दरअसल पुराने कुछ इंटरव्यूज में कहा गया था कि कपूर परिवार की बहुओं और बेटियों को इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में चीजें काफी बदल गई। करिश्मा कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने फिल्म प्रेम कैदी से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में अनारी, दीवाना, अंदाज, कूली नंबर 1, गोपी किशन, राजा हिंदुस्तानी, हीरो नंबर 1, जुड़वा, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, फिजा, हाँ मैंने प्यार किया, एक रिश्ता, आशिक, जुबेदा जैसी कई सुपरहिट फिल्में की हैं। पिछली बार एक्ट्रेस को मर्डर मुबारक में देखा गया था। फिलहाल वह इंडियाज बेस्ट डांसर 4 को जज करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।